Hey guys, welcome to my video. If you are new here, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss a video from Crunchworks Home. So, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं होममेड पनीर. उसके लिए हम लोगों ने दूध को उबालने के लिए रख लिया है. So, I am using cow's pure milk. तो मैंने ले लिया है 2 नींबू के टुकड़े. If you want, you can use vinegar. तो इधर मेरा दूध बॉयल हो गया है. पूरा बॉयल कर लेना है. उसके बाद नींबू निचोड़ देना है उसमें अच्छे से और फ्लेम को मीडियम पे रखना है. ऐसे चला लेना है थोड़े टाइम के लिए. फिर मैंने सेकंड पीस ऑफ नींबू भी डाल दिया है. दूध कडल करना शुरू कर दिया है. फिर एक अच्छा साफ मसलिन क्लॉथ ले लेंगे एक यूटेंसिल के ऊपर. उससे अच्छे से ढक देंगे. ध्यान रखें कि वो साफ कपड़ा हो. फिर उसे छान लेंगे. इससे पानी पूरा स्ट्रेन हो जाएगा. धैला दे पूरी जी वो तोड़ बना अच्छा दे. जैसे छानना हो जाएगा हम सारा पानी निचोड़ के एक बंडल में बांध लेंगे ताकि उसको एक शेप मिल जाए और सारा पानी उससे निकल जाए. सांस लो इतना से जुड़े जुड़े. उसके बाद कोई एक भारी चीज़ जैसे मैंने इधर एक पत्थर का मदद लिया है उसे प्रेस करने के लिए ताकि उससे सारा पानी निकल जाए और एक उसे शेप मिल जाए. आफ्टर 20 to 25 मिनट्स हम उसे खोल के देखेंगे. पूरा पानी उससे निकल जाएगा एंड विल गेट अ परफेक्ट पनीर. दिस होममेड पनीर इज रेडी. तो आपको अगर चाहिए कि आप उसे चिल करना चाहते हो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हो और अगर आपको साथ ही साथ यूज़ करना है तो तब आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो. तो हमारा पनीर रेडी है जो कि हमने घर पे बनाया है. थैंक यू.